आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किए जाने वाले एयरक्राफ्ट को लेकर। एरो इंडिया के बाद में रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 470 यूनिट इंडिजिनियस फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी। वहीं पर अगर ऑलरेडी इंडक्टेड नंबर्स को काउंट किया जाए तो ये नंबर 510 का होगा। आइए एक बार ग्राफिक्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 32 यूनिट LCA तेजस मार्क 1 है, इनमें से 16 यूनिट IOC वेरिएंट के हैं और दूसरे 16 यूनिट FOC वेरिएंट के। वहीं पर अगर ट्रेनर्स की बात की जाए तो 8 यूनिट ट्रेनर्स ऑलरेडी प्रोडक्शन रन में जा चुके हैं, यानी कि बेसलाइन LCA तेजस मार्क 1 की 40 यूनिट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा 83 LCA तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दे दिए गए हैं। LCA तेजस मार्क 1A इस समय टेस्टिंग में है और साल 2024 से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। वहीं पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके 50 यूनिट और भी ऑर्डर की जा सकती हैं। इस चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में आगे चलकर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 133 यूनिट LCA तेजस मार्क 1A अपने बेड़े में शामिल करेगी। वहीं पर अगर बात की जाए LCA तेजस मार्क 2 की तो इनको 108 के नंबर में भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये नंबर फाइनल नहीं है। आगे चलकर ये नंबर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये नंबर 108 ही है। वैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि LCA तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन क्या है, क्या कोई ऑफिशियल डेट मिली है आडा की तरफ से, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट टीम की तरफ से कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई है। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो DRDO चीफ या HAL चीफ की तरफ से दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी टाइमलाइन के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। हालांकि अगर हम लोग इनिशियल प्लान के हिसाब से साल 2023 में इसकी पहली उड़ान मानकर भी चलें, तो भी 5 साल की टेस्टिंग के साथ में ये एयरक्राफ्ट साल 2028 में ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता और एक बार जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो उसके बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से फॉलो ऑन ऑर्डर जरूर दिया जाएगा। वहीं अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसकी 126 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं पर अगर ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर की बात की जाए तो उसके भी 100 यूनिट का ऑर्डर दिया जाएगा। ये टोटल मिलाकर होते हैं 470 यूनिट्स और एग्जिस्टिंग LCA तेजस मार्क 1 की अगर बात कर ली जाए तो ये टोटल नंबर होता है 510 का, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से इंडिजिनियस फाइटर जेट्स के ऊपर ऑपरेट करेगी। हालांकि यहां पर रफाल और Su-30 MKI भारतीय वायुसेना को सपोर्ट जरूर देते रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी सिस्टम्स इंडियन होंगे। अब जब यहाँ पर नंबर क्लियर हो चुके हैं तो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन रेट और फैसिलिटीज को लेकर। इस समय भारत में 2 असेंबली लाइंस हैं जहाँ से LCA तेजस निकल सकते हैं, पहला बैंगलोर में HAL डिवीजन और दूसरा न्यू HAL प्लांट। ये दोनों ही प्लांट 8-8 LCA तेजस रिलीज कर सकते हैं, यानी कि इस समय HAL के पास में 16 यूनिट पर ईयर डिलीवर करने की क्षमता है। वहीं पर अगर पुराने किरण हैंगर की बात की जाए तो वहां से भी 4 LCA तेजस पर ईयर निकाले जा सकते हैं, लेकिन इनिशियल प्लान था कि वहां से HTT-40 रिलीज किए जाएंगे। और अब ये नई जो कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है जिसके तहत 50 और LCA तेजस भारतीय वायुसेना अक्वायर कर सकती है, तो ये चीज इंडिकेट करती है कि ये एडिशनल कैपेसिटी का यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इन थ्योरी किरण हैंगर का प्रयोग करते हुए 4 LCA तेजस मार्क 1A पर ईयर रोल आउट किए जा सकते हैं, जो टोटल कैपेसिटी को 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जा सकती है। ये सभी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट, चाहे वो HTT-40 हो या HJT-39 सितारा हो, ये मोस्ट लाइकली नासिक से रोल आउट किए जाएंगे। और अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर बढ़ाया जाता है तो आपके पास में 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है। वहीं पर अगर प्रोडक्शन स्टार्ट की बात की जाए तो ईयर 2024 से LCA तेजस मार्क 1A मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि साल 2029 तक भारतीय वायुसेना को सभी एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर 83 एयरक्राफ्ट का रहता है तो भी इनकी डिलीवरी 2029 में ही कंप्लीट होगी। और अगर ऑर्डर बढ़ जाता है तो बढ़े हुए प्रोडक्शन रेट के साथ में लगभग उसी टाइम फ्रेम में एडिशनल एयरक्राफ्ट भी डिलीवर हो सकते हैं। ओवरऑल यहां पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एक क्रूशियल फेज से गुजरेगी और यहां पर हर एक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।